आपकी सही लोगों के साथ होनी चाहिए, जो आत्मिक लोग हैं, इससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोलो क्या है? अगर आपकी संगति किसी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा तो वही चीजें आपके अंदर भी आएंगी, स्वभाव में आएंगी। क्या आएंगी? स्वभाव में आएंगी, स्वभाव में भी। जैसा स्वभाव उनकी उनका है, अगर उनकी आप संगति करोगे ना, ऐसे क्यों कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है, खराब कर देती है। एक भला अच्छा बंदा है, हाँ, उसकी भी संगति एक अच्छी है, एक लड़का अच्छा भला है, एक बंदा अच्छा भला है, पर उसकी संगति एक ऐसे बंदे के साथ, एक ऐसे लड़के के साथ होगी, उसका भी क्या कर देगी। हाँ, एक लड़की अच्छी है, एक औरत अच्छी है, पर उसकी ऐसी औरत के साथ, एक ऐसी लड़की के साथ उसकी संगति है जो सही नहीं है, वो उसके भी चरित्र को खराब कर देगी। क्या कर देगी? वो उसके भी चरित्र को खराब कर देगी। सच्ची में कह रहा हूं, अगर आप फर्स्ट ग्रंथियों 5 पढ़ो, नोट कर लो, वहां पे पॉलस कहता व्यभिचारियों की संगति मत करना। बोलो क्या है? व्यभिचारियों की संगति मत करना। मैं ये नहीं कहता कि तुम संगति किसी से ना, ऐसा तो हमें जगत से बाहर निकलना पड़ेगा, पर मैं कहता हूं व्यभिचारियों की संगति मत करना। क्या ना करना? उनकी संगति मत करना ऐसे लोगों, क्योंकि उनका प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। अगर कोई बड़ा बंदा अजीब किस्म का है, बोलो क्या है, तो उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी चीजें उसके जीवन में भी आ जाएंगी। मैं सच्ची कह रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मेरी जांच है, मैंने ये जांच की है। बोलो क्या है? मैं आत्मिक लोगों से और शारीरिक लोगों के साथ भी रहा हूं, मैंने इसको अच्छे से परखा और जांचा इस जीवन को। इसलिए कहता है जो आत्मिक के जानने में सब बातें जांच है, जो शारीरिक है वो नहीं जांच कर सकता, पर जो आत्मिक है वो जांच करेगा कौन बंदा कैसा है। आप आत्मिक लोगों के साथ रहना जो अच्छे हैं, शरीर के लोगों के साथ रहोगे तो आप डाउन जाओगे, आत्मिक लोगों के साथ रहोगे तो आपका मन अच्छा होगा, आपका स्वभाव अच्छा होगा, आपके अंदर प्रेम आएगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। जैसे कई लोगों को गुस्सा बड़ा आता है ना छोटी छोटी चीज पर, क्या आता है छोटी छोटी चीज पर गुस्सा आता है, गुस्सा, क्योंकि गुस्सा भी किसकी ओर से है, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में गुस्सा नहीं है ना, उसके अंदर तो प्रेम है। अगर हम उसके हैं तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, फिर वही प्रेम होना चाहिए। पर क्या है, बोलो क्या है, अगर वो है तो वो किसका गुण आ रहा है, किसकी चीज आ रही है, बोलो क्या आ रही है, किसकी चीज आ रही है। इसलिए ये चीजें संगति भी होना बहुत ये मायने रखती है। अब किन लोगों के साथ उठते बैठते हो ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार उन लोगों का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उनका स्वभाव भी आपके अंदर आ जाएगा। जब यीशु मसीह ने एक अंधे को ऐसे हाथ रखे, वंदा था, तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें क्या दिखाई देता, कहता मुझे आदमी पेड़ों के जैसे चलते दिखते, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे पेड़ों के जैसे। तो यीशु मसीह ने फिर आत्मा में समझा, क्योंकि वो आत्मिक जन था ना, उसने आत्मा में समझा और फिर से उसके हाथ रखे आंखों पर, फिर से उस चीज को डांटा और वो सही देखने लगा। तब यीशु मसीह ने उसे कहा इस नगर में पैर भी ना रखना। बोलो क्या रखना? इस नगर में पैर भी ना मत रखना, इस नगर को छोड़ दे। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा उस संदेह को कहा इस नगर में अब पैर भी ना रखना? क्यों? यीशु मसीह ने आत्मा में जांचा जे किन लोगों के कारण ये अंधा है। कुछ चीजें लोगों के कारण हमारे जीवन में रुकी हुई। क्यों अंधे को कहा अब इस नगर में पैर भी ना तुम रखना, इस नगर को छोड़ दे, देख तू देखने लगा, तेरा अंधापन चला गया, इस नगर को छोड़ दे। कितने मेरी बात समझ रहे? इसलिए संगति होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, कितने मेरी बात समझ रहे? अगर मेरे स्वभाव के अंदर जो चीज मैं बता रहा था अगर मैं रखूंगा तो आपके अंदर भी, अगर मेरे अंदर नम्रता है, प्रेम है, तो आपके अंदर भी आएगा।
क्या आएगा? आपके अंदर भी आएगा। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए ये संगति रखना, कैसे लोगों के साथ उठते बैठना, ये भी बहुत जरूरी है। बोलो क्या? ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।